yes students i wrote something on board for so your reference like the day i started uh, staffing i told you this uh, chapter basically comprises two types of process so that two types of process are i wrote them on the board that is staffing process and selection process so if somebody asks from you is selection a part of staffing your answer will be yes because staffing in itself is a आपको बताया था कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट मांगेंगे कि उनको कितने बंदों की जरूरत है ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटल हेड विल सेंड हिस्ट रिक्वायरमेंट कि मेरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले इतने बंदों की टीम की मेरे को जरूरत है देन यू विल पब्लिश एड यू विल सर्च फॉर द प्रोस्पेक्टिव इम्प्लॉज ठीक है तो इस टॉपिक को फिर उसने अलैबोरेटेड वर्जन में हमारी बुक में लिखा है तो आउट राइटली रिक्रूटमेंट के मीनिंग के साथ साथ हमने आपको इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स करवाए ये अपने आप में एक फुल फ्रेश टॉपिक भी है ठीक है रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन आता है लेकिन दोनों का अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज बीन कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस Do you know about them? This is positive process. This is negative process. Why and how? Selection we call always a negative process, and recruitment we always call positive process. How and why? Anybody? Why we call recruitment positive? Because hereby we just invite the persons to apply for the vacant position in our company. We फोर्स करते हैं या उन्हें कन्विंस करते हैं कि हमारी कंपनी में ये पोस्ट खाली है आप प्लीज इसके लिए अप्लाई करो वी ऑफर अ जॉब टू देम ठीक है एडवर्टिट में हम उन्हें इनवाइट करते हैं लेकिन सिलेक्शन नेगेटिव क्यों है क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन बहुत ज्यादा है भाई अगर सौ बंदों की एप्लीकेशन आई है मैंने तो दो बंदे ही अपॉइंट करने हैं तो नाइन पीपल आई एम रिजेक्टिंग सो एज द डिग्री ऑफ रिजेक्शन इज मोर हेयर

टरी टॉपिक्स थे हम लोगों ने वो स्टेप में से उठाए और पहले उनको डिस्कस किया ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो ये मैम ने आपको तो करवाया है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग सबसे पहले हम ये देखेंगे जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं उन एप्लीके में से हमारी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके साथ कौन मैच करता है जैसे मैंने बंदे मांगे हैं तीन सालों के एक्सपीरियंस के होने चाहिए एटलीस्ट थ्री ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फ्यू एप्लीकेशन आर ऑफ फ्रेशर्स आई विल बी रिजेक्टिंग आउट राइट आर हैविंग द टू ईर्स एक्सपीरियंस आई विल रिजेक्टिंग

so when the applicant comes into the face to face contact of the employer or he sits in a discussion panel वो इंटरव्यू पैनल में बैठता है एक पार्टी होगी इंटरव्यूअर दूसरी पार्टी होगी इंटरव्यू वो बातें पुरानी हो गई जब इंटरव्यू में सिर्फ एम्प्लॉयर क्वेश्चन पूछता था आज के जमाने में जो एप्लीकेंट है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है सर मेरे को छुट्टियां साल में कितनी मिलेंगी मेरी सैलरी का पैकेज कितना होगा कितने सालों के बाद मेरी प्रमोशन होगी कितने सालों के बाद मैं परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगा तो सच टाइप ऑफ क्वेरीज द इंटरव्यू कैन ऑल्सो आस्क तो यहाँ पे क्वेश्चंस का और आपस में एक दूसरे की कन्वर्सेशन इन्वॉल्व होती है कुछ जॉब रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं हमारे जो डिस्कशन पैनल और एक्सपर्ट बैठे हैं तो बेसिकली इट इज अ फेस फेस टू बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड बोथ दे एक्सचेंज देयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड जैसे वो इंटरव्यू क्लियर करता है हम उससे पूछते हैं हमें कुछ ऐसे नंबर बता कॉन्टेक्ट नंबर बता जो तेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है लेकिन जिनको फोन पे बात करके हम तेरे बारे में जान सके Sometimes वो अपने पुरानेर का नंबर ही दे देता है जहां पे वो पहले जॉब करता था तो हम उसके पुराने एम्प्लॉयर को फोन करके चेक करते हैं इस बंदे ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल काम किया वो कहता है पांच साल हम उससे चेक करेंगे काउंटर चेक करेंगे क्या ये बंदा ऑनेस्ट था आपने तो नहीं इससे नहीं निकाला कई बार वो बोलेगा कि नहीं इसके ऊपर चोरी का ब्लेम था एलिगेशन ऐसी थी तो हमने निकाला लेकिन इंटरव्यू में उस बंदे ने बोला कि की आय माई सेल्फ लेफ्ट जॉब इट मीन्स की वहीं पर हमारा ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा ना बैकग्राउंड so बंदे की बैकग्राउंड कैसी है फैमिली बैकग्राउंड कई बार चेक कर सकते हैं जहां पर वो पहले जॉब करता था हम वो चेक कर सकते हैं इंक्वायर कर सकते हैं दैट इज द फोर्थ स्टेप सिलेक्शन डिसीजन वेन यू फील सेटिस्फाइड आफ्टर कॉलिंग द रेफरेंसिस होते ठीक है कई बार आप भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर एडमिशन का देखो तो रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर आपसे भी पूछे जाते हैं कि कल को फादर और मदर मान लो फोन नहीं उठाते तो हम और किसको कॉन्टेक्ट करके आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में ही फिल होंगे बैकग्राउंड चेकअप मीनस उसके पुराने एम्प्लॉयर का नंबर हम ले सकते हैं ताकि हम चेक कर ले वो बंदा कैसा है डन देन सिलेक्शन डिसीजन नाउ यू विल बी डिसाइडिंग कि मैंने उसे सेलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना इन केस ही इज बीइंग सिलेक्टेड हम उसको बोलते हैं सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीएमओ का या मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट लेके आओ जिसमें ये लिखा हो दैट यू आर फिट एंड फाइन टू द जॉब ठीक है कई तो जॉब्स ऐसी होती हैं जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर आप अपॉइंट कर रहे हो तो आई साइट का होता है आर्मी में भी ऐसा होता है कि आई साइट वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए सिक्स बाय सिक्स होनी चाहिए तो कुछ इस तरह के टेसरी कमेंट किए जाते हैं जो उसको सर्टिफिकेट लेके आना होता है वेयर बाय द सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर विल बी पुटिंग हिज साइन यस आई फाउंड हिम

और उसकी ओरिजिनल कॉपी आप उससे साइन करवा के अपने पास रखते हो डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट उसे दे देते हो वी एंड विद सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस बट द थर्ड स्टेप अंडर स्टाफिंग ठीक है जैसे सिलेक्शन आया हमने उसको सारा डिस्कस किया यहाँ पे सिलेक्शन हो गई बंदे को कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे दिया ही हैज बीन सिलेक्टेड अब क्या करना है प्लेसमेंट एंड ओरियंटेशन आर टू वर्ड्स कई बार वो पूछता है क्वेश्चन और पहले पिछले सालों में पूछा भी है आफ्टर

नहीं पता तो ऑरिएंटेशन में हम कोई सीनियर बंदा यहाँ अपना कोई ओल्ड इंप्लाई उसके साथ अटैच करते हैं फॉर फोर और फाइव डेज और इवन फॉर अ वीक सो दैट ही कैन टीच हिम वट इज टू बी डन वेयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट मतलब कैंटीन कैफे किधर है मैनेजर का ऑफिस किधर है हमारी कंपनी की कितनी स्टोरीज है मतलब कितनी फ्लोर है कहां पे आपका ऑफिस होगा आपका बॉस कौन है ईच एंड एवरी थिंग टीच दिस इज वॉट वी कॉल company इज named एज योर orientation प्रोसेस मतलब नए बंदे को अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताना और सिखाना इज एन orientation प्रोग्राम इट मे बी ऑफ इवन 7 डेज फॉर अ वीक भी हो सकता है ठीक है उसके बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फिर से हमारा एक अलग से टॉपिक था ट्रेनिंग का मतलब क्या था इट इज अ प्रोसेस टू टीच दिल्लर जॉब डेवलपमेंट क्या थाउंडर जैसे मैंने बोला था ऑर्गेनाइजेशन में हर तीन महीने के बाद योगा क्लासेस करवा दी लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स उन्हें ज्वाइन करवा दिया so we are making अब ये तीन स्टेप रहते थे दैट्स आई दिस टॉपिक अगेन जैसे बंदे को आपने ट्रेन कर लिया उसको आपकी सारी जॉब समझ आनी शुरू हो गई अब उसको काम करते हुए तीन चार महीने हो गए आप उसके सीनियर से पूछेंगे हाउ इज परफॉर्मिंग एंड दिस स्टेप वी कॉल परफॉर्मेंस अप्रेजल वो हमें रिपोर्ट देगा उस नए बंदे की वो बंदा सेट हो गया है कि नहीं जैसा हम उसे काम करने को बोल रहे हैं वो वैसा कर रहा है कि नहीं इट मीन टू टेक द रिपोर्ट फ्रॉम द सीनियर ऑफ सी अपॉइंट हीस अप्रेजल एंड दैट कैन बी ऑन द बेस ऑफ रैंक रैंकिंग भी वो कर सकता है एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का स्केल रहता है इज ई गुड वेरी गुड एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग तो इस स्केलिंग पे वो उसकी रिपोर्ट क्या करेगा सीनियर्स को सबमिट करवाएगा अबाउट द न्यू अपॉइंटी देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग

आपके रेफरेंस के लिए बोर्ड पे लिखे हैं ताकि दोनों प्रोसेस में आपको डिफरेंस पता चले बोथ द प्रोसेस आर कैरिंग एट स्टेप्स इसका स्टेप इसमें मर्स मत करना स्टाफिंग अपने आप में कौन सा है पूरा प्रोसेस आने की बात ही नहीं बनती आगे पीछे वाले दो तीन पॉइंट पूछ सकता है और ही कैन पुट अ केस स्टडीटिफाई विच फंक्शन ऑफ स्टाफिंग आर डिस्कसिंग आपने हर स्टेप को पढ़ा होगा हर पॉइंट आपको पता होगा ना वी आर कमिंग टू मोटिवेशन ये वी स्टार्ट इड मोटिवेशन यस वी डिस्कस ये वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन इन इट सेल्फ इज अ प्रोसेस टू स्टिम्युलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉज

मोटिवेटर्स आर दर टेक्नीस विद्प ऑफ विच यू मोटिवेट अर्सन यू बूस्टीन बी इंक्रीमेंट इन दैलरी बेस्ट इम्प्लॉय ऑफ द वीक डिक्लेयर किया बेस्ट इम्प्लॉय ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया फिर एंड में आके बेस्ट इम्प्लॉय ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया उन्हें स्टेज पे ऑनर करा एनुअल जनरल मीटिंग में उनके बारे में डिस्कस किया ठीक है विच विल डेफिनेटली बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिशन फॉर ऑल अदर इम्प्लॉयज सो दिस इज वॉट मोटिवेटर Now, what next we have in our syllabus? Let's see. Features of motivation. We have features of motivation. First, he says it is an internal feeling by Barba it is a related with internal state of mind. Take care. Uh, externally, the person seems to be very happy, but there is a lot of problem in his family, which he never share.

Means, जो आपकी इंटरनल इच्छा है कुछ करने की कुछ बनने की ठीक है डिजायर कभी कभार आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेते हो ठीक है इट इज योर इंटरनल फीलिंग दिस इज योर किक ठीक है आप उसे पाने के लिए क्या कुछ करते हो डिजायर का मतलब है आपकी इच्छा क्या है देन एस्पिरेशन हाउ एस्पिरेंट मतलब हाउ क्रेजी यू आर फॉर फुलफिलिंग ऑफ योर डिजायर एस्पिरेंट्स वही होते हैं ना जो हर तरह से तैयार रहते हैं कुछ करने के लिए कुछ बनने के लिए सो एस्पिरंग विच आर इंटरनल ये सारी बातें सेकोलॉजी रिलेटेड है ठीक आपके इनर स्टेट ऑफ माइंड में ये सारी बातें चलती हैं कई बार आप इतने ज्यादा क्रेजी और एंथुसियास्टिक हो जाते हो कि आप रात को सो भी नहीं पाते हैं. अगर सोते भी हो तो आपको सपने भी उसी बात के आते हैं कि दिस आई वॉन्ट टू इन माई लाइफ ठीक मतलब आपको रेस्टलेसनेस फील होती है तो ये सारी क्या चीजें हैं इंटरनल फीलिंग होती है अर्थ yes, तो और दोनों सेम है बाइक कम्फर्टेबल हाउस हर बंदे की होती है रेपुटेशन इन द सोसाइटी दीज अर्ज आर इंटरनल टू एनडी इंडिविजुअल हर बंदा चाहता है बड़ी सी गाड़ी हो मेरे बोंगलिया के बाहर खड़ी हो आसपास मेरे नौकर चाकर घूमे दिस इज वॉट द कम्फर्ट इन द लग्जरीज अगर आपको किसी बंदे की ये सारी चीजों के बारे में या उसकी अर्जीज और ड्राइव्स के बारे में पता चल जाता है अकॉर्डिंगली यू कैन यूज देन टू मोटिवेट कि तू अपनी लाइफ में यह बनना चाहता है ना कभी बन पाएगा अगर ये करेगा ठीक है दैट्स वाई वी कॉल इट इज एन इंटरनल फीलिंग देन मोटिवेटेड वीशन प्रोड्यूस गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर जिस बंदे को अपनी लाइफ में मोटिवेशन मिल जाती है या कोई गाइड मिल जाता है या कोई ऐसा काउंसलर मिल जाता है वो डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लेता है क्योंकि एक अच्छा मेंटोर मिलना लाइफ में बहुत जरूरी है देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल तो उसने ठीक लिखा मोटिवेशन प्रोड्यूस मोटिवेशन के कारण आपकी लाइफ डायरेक्शन लेस नहीं रहती यू गेट अ गोल ऑफ योर लाइफ ठीक है वो मेंटोर आपको बताता है कि दिस इज योर गोल जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हुए हैं या फुटबॉल प्लेयर बने हैं मेंटोरशिप जो उनकी लाइफ में रही डेफिनेटली मेड देम द द पर्सन पर्सन लाइक यही है मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और पता ही है मैंने थी. You, you मेरे को पता ये तेरे से होना नहीं था तू कर ही नहीं सकता तू ने इस बार भी फेल होना दिस नेगेटिव ठीक है जब आप कोई नेगेटिव रिमार्क किसी को देते हो तो वो नेगेटिव मोटिवेशन है जब आप उसे बूस्ट अप करते हो मतलब उसमें इतना टैलेंट है भी नहीं बट इवन देन यू से यू आर अ टैलेंटेड पर्सन आई आई बिलीव इन यू यू कैन डेफिनेटली डू इट ठीक सो पॉजिटिव मोटिवेशन की कुछ एग्जाम्पल्स होती है उसकी सैलरी बढ़ा दी प्रमोशन कर दी रेकिग्निशन वही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड उसके नाम अनाउंस कर दिया एनुअल जनरल मीटिंग में उसे मोमेंटो देके शॉल देके आपने उसका ऑनर किया दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉजिटिव मोटिवेशन नेगेटिव मोटिवेशन क्या है पनिशमेंट दे दे दी इंक्रीमेंट रोक दिए डरावा दिया तेरी सैलरी कट जाएगी दीज ऑल आर द नेगेटिव मोटिवेशन अब नेगेटिव मोटिवेशन के कारण वो रेगुलर हो सकता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है और अगर नेगेटिव मोटिवेशन का नेगेटिव ही इंपैक्ट पड़े तो हो सकता है वो जॉब छोड़ के चला जाए और पहले से भी खराब हो जाए उसका बिहेवियर ठीक है कि आते जाते मेरे सीनियर ने मेरे को कमेंटबाजी करते रहने है, तो वाई टू इम्प्रूव माई सेल्फ ठीक उसको तो मेरे पे भरोसा ही नहीं है तो वाई टू इम्प्रूव माई सेल्फ तो नेगेटिव का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है सो वेन एवर यूज सच टाइप ऑफ टेक्निक्स ना यू शुड नो द बिहेवियर ऑफ योर इम्प्लॉय क्योंकि हर बंदे के लिए सेम डंडा काम नहीं करेगा भाई कई बंदे प्यार की भाषा समझते हैं कई सख्ती से समझते हैं ठीक है विद समन स्ट्रिक्ट कैन बी स्ट्रिक्ट तो दे विल अंडरस्टैंड स के साथ ही ऐसे so आसानी से समझ नहीं आता क्योंकि किसके किस माइंड में क्या चल रहा है हाउ कैन आई जज और हर बंदे की बहुत बार डुअल पर्सनैलिटीज होती है बाहर से कुछ और लगता है लेकिन फैमिली बैकग्राउंड कुछ उसका और ही होता है समटाइम्स ही to be a happiest person of the world but he is not actually so okay? so in that context we say that motivation is a complex process why as the individuals are heterogeneous in nature have the same for हर बंदे की नेचर अलग है तो हर बंदे को समझाने के लिए बूस्टअप करने के लिए उसका मॉरल हाई करने के लिए मेरे को अलग अलग टेक्निक्स को क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा इन दैट सेंस वी कॉल इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन में नॉट मैंने बोला ना कई बंदा सख्ती से सुधर जाता है और कई बंदा सख्ती से और भी ज्यादा बिगड़ जाता है ठीक है सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी एंडी इम्प्लॉयर आर वर्किंग अंडर यू यू वांट टू मोटिवेट जिनको आपको मोटिवेट करना है उनको पहले अच्छी तरह से समझना है कहीं गलत टेक्निक उनके लिए यूज कर ली तो वो पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे उनके हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे बट वी जस्ट वांट टू इंप्रूव देम बिहेवियर वाइज वी जस्ट वांट दैट दे शुड कंट्रीब्यूट होल हार्टेडली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू अंडरस्टैंड देम वेल Okay. So this is about the fourth feature of motivation. Rest of the things we will continue tomorrow.